आप सभी लोग पृथ्वी का स्पर्श कर लें, भगवती माँ पृथ्वी का पूजन करें। आप लोग पीछे चलिए, यहाँ से विष्णुनाथ पंचधामी पवित्र हाथ जोड़ करके सभी लोग गुरुदेव भगवान को प्रणाम करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी लोग हाथ में फूल और चावल लेकर के भगवान गणेश जी का स्मरण करें और ध्यान करें। हरि ओम मादेव हो शांतिरंतर चतु शांति हे प्रदाने शांति रापा शांति नो कलयः शांति हे वनस्पतयः अहम मन इच्छित कामना संसिद्धि हेतवे पार्थ विश्व सपरिवारस्य पूजनम अर्चनम अभिषेकम नाना विधि द्वारा अहम करिष्ये। हाथ से ऐसी प्रार्थना
भर दो झोली वो भर दो झोली, उठिए दोनों हाथ जो झोली लेकर के आए पीछे वाले जितने बालकनी में जो यहाँ पर झोली लेकर के आए गुरुदेव के दरबार में, तो दोनों हाथ से ताली बजा करके बोलना क्या है, वो भर दो झोली मेरे गुरुवर तेरे दर से ना जाऊं ना खाली, भर दो झोली मेरे गुरुवर तेरे दर से ना जाऊं Thank you.
महाराज संत यदि होइए डॉक्टर बसंत विजय जी महाराजा की जय। दयालु गुरुदेव की दया निरंतर रूप से बरस रही है। कैसे बैठे हैं ये देखो बच्चा ऐसे कोई ऐसे बैठे
इसी को मैं रोज मुद्रा कहता हूँ। मुद्रा यानी क्या? कई मुद्रा मैंने बताई है, कौन कौन मैंने बताए मुद्रा में, कुछ मुद्रा का उपयोग करते हैं वो क्या मुद्रा करके दिखाओ, क्या मुद्रा का उपयोग करते, क्या मुद्रा का उपयोग करते हो? अच्छी मुद्राएं और सीखो, कई मुद्राएं सीखो। आज आपको खास बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आप मेरी बात मान के सुन के चलिए। मुद्रा यानी क्या, ये अभी इतने दिन से मैंने मुद्रा बताई हो, लेकिन मुद्रा क्या ये बताया नहीं ना कभी जिंदगी में। मैंने बोला कि करो तो ऐसे होगा ऐसे होगा, आज तक किसी ने नहीं पूछा कि ये करने से ऐसे होता क्यों है और कैसे होता है, क्यों होता है, किसी ने पूछा ही नहीं। मैं एक पूरे शरीर के जितने भी अणु परमाणु हैं उसको श्रेष्ठ बनाने वाला और शरीर को बलिष्ठ पुष्ट करने वाला, आत्म शुद्धि और मन की एकाग्रता देने वाला हठ योग है। क्या योग है? हठ योग। हठ योग सुना होगा, हठ योगी तो अपने बाल से लारी भी खींचते हैं, ऐसे सुना होगा, बाल से लारी खींचते हैं, कांच के टुकड़े चबाते हैं, ये हठ योग की शक्ति है। हठ योग में विभिन्न प्रकार के आसन है। क्या है आसन? विभिन्न प्रकार के आसन से हठ योग होता है। तो हठ योगियों ने देखा कि ये शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। कितनी नाड़ियां? हम 72,000 बोलते हो क्या? हम राजस्थानी में 72 बोलते हैं, हिंदी में 72,000 बोलते हैं। तो 72,000 नाड़ियां हैं, इन नाड़ियों को वायर मान लो। क्या मान लो? वायर। अब ये वायर में बल्ब अपने आप जलेगा कैसे? अंदर करंट जाना जरूरी है। अब करंट चले भी जाए सूची डालना जरूरी है कि ऐसे ही चलेगा? तो आपको आज बताऊं कितने लोग लैपटॉप या कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, वो लोग आ तो जाओ। मेरी मन बहनों आप नहीं जानो तो भी सुन लेना। देखो ये बहन तो मुद्रा भी करती है, कंप्यूटर के बारे में भी जानती है, सब जान रही है। अबे अच्छी बात है माता। देखो कंप्यूटर में दो चीजें होती है, जो दिखता है कंप्यूटर वो हार्डवेयर है कि नहीं? उसके अंदर जो आपने इंस्टॉल किया है वो सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर के ऑपरेशन से हार्डवेयर को यूज करने कीबोर्ड को यूज करते हो, और जब कीबोर्ड यूज करते हो तो सॉफ्टवेयर एक्टिव होता है, और सॉफ्टवेयर के फंक्शन से हार्डवेयर के स्क्रीन में आपने जो चाहा वो दिखने लगता है। यही तो कंप्यूटर है। बहुत सरलता से समझाता हूँ कि ये शरीर ही हार्डवेयर है जो दिखता है कंप्यूटर है। इसके अंदर जितने भी हमारे पुर्जे हैं, लंग्स, लीवर, ब्रेन, पैंक्रियास, पिट्यूटरी ग्लैंड, जितने भी ब्रेन, हार्ट जो भी हैं, सब सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर और ये हार्डवेयर को जॉइंट करने वाले वायर हैं ये नाड़ियां, 72,000 नाड़ियां अंदर के कनेक्शन, और ये जो मुद्रा है इस कनेक्शन को ऑन करने वाला सूची है, यही मुद्रा है। ये मुद्रा से वो कनेक्शन ऑन होता है। अब कई लोगों के नाड़ियों से विशिष्ट प्राण शक्ति की ऊर्जा बहती नहीं, ऐसे विशिष्ट ऊर्जा वो नॉर्मल है। अभी आप देखो कई लोगों को आपने देखा होगा जिंदगी बहुत नीचे स्तर की जीते हैं, जैसे आप बोलते हो जानवर जैसा जीवन। मैं संत होने से नहीं बोल सकता इसलिए आपकी बात बता रहा हूँ। आप कहते हो किसी किसी को जानवर जैसे जीता है, एक आदमी को देख के बताते हो ये तो बहुत इसका देखो भाई जोरदार चमकता है जिंदगी। इन दोनों में फर्क इतना ही है, दोनों के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा का माप क्या? रेगुलर लोगों की ऊर्जा रेगुलर रूप से निकलती है तो जिंदगी भी रेगुलर रहती है। हाई लेवल में जिनकी प्राण ऊर्जा निकलती है, प्राण शक्ति, उनकी जिंदगी भी बहुत उच्च कोटि की और हाई लेवल की होती है। तो ये जो सूची है मुद्रा, जैसी जैसी मुद्रा करते हो वैसी वैसी कुछ नाड़ियों में जाके वो दबाव डालती है,
जैसे वो नाड़ी से करंट जाने लगता है, तो वहां के वायरों में करंट जाने के कारण ये हार्डवेयर से पूरा शक्ति निकल के जोरदार ताकत बन के बाहर प्रकट हो जाता है। यानी महाराज शरीर रूपी हार्डवेयर अंदर रहे हुए जितने भी अंग रूपी सॉफ्टवेयर को जोड़ने वाले नाड़ियों में प्राण ऊर्जा के बहाव को पूर्ण रूप से जाने के लिए जिस स्विच को ऑन किया जाता है उसको मुद्रा कहते हैं। समझे? लक्ष्मी मुद्रा दो ही मेन, एक तो इनको क्या चाहिए, शांति मुद्रा भी करो। घर में कुबेर आ जाए, लक्ष्मी आ जाए तो काफी नहीं है। धन ना हो ऐसे मैं नहीं कहता, खूब हो आपके घर में धन, सुख भी होना चाहिए। कोरा धन किसी काम का नहीं, क्या होना चाहिए, सुख। क्या बात है, ले जाओ। और कोई कोई 500 रुपया मांगता है, 500 रुपया दो चार दिन में। ऐ जा, कहीं का 500 मांग रहे थे, बात का रखा हुआ है, निकल यहां से। कोई 5 लाख मांगे मिल जाए, किसी को 500 नहीं मिले, उसके शरीर में कॉर्टिसोल नहीं है, समझ लेना। कॉर्टिसोल होगा शब्दों का वजन पड़ेगा ना, काम होगा, इसके लिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अगर आपको कॉर्टिसोल चाहिए सुबह फटाफट उठ के बैठना पड़ेगा, समय पर उठना पड़ेगा। सुबह सुबह उठने वाले जितने लेखक चित्रकार हैं वो कहते हैं कि सुबह के शांत वातावरण में हमने जो कहानियां लिखी उससे हमने करोड़ों रुपए कमाए। जो सुबह सुबह हमने सुबह सुबह चित्र बनाए उसमें इतनी एकाग्रता आई, वो चित्र दुनिया में अवार्ड प्राप्त किया। व्यापारी लोग कहते हैं कि हम सुबह सुबह जब जल्दी उठ जाते हैं तो पूरे दिन में धंधा कैसे करना चाहिए, हमारा दिमाग अच्छे से प्लान करता है, हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि आज क्या करना। जब हम लेट उठते हैं तो उस दिन क्या करना हमको समझ नहीं आता, अंधे धुन दौड़ते हैं और नुकसान और तकलीफ पाते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, घंटे भर उस दिन क्या करना चाहिए ये सोचने समय मिलता है। वो एक घंटे का सोच हमारे पूरे दिन को सफलता प्रदान करके हमको अरबोपति बना रहा है। आप विचार करोगे कि मुझे 1000 करोड़ का आदमी कैसे बनना है, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा से ही कोई तरंग आके आपको उपाय बताएगा कि ऐसे कर तू जीत जाएगा, क्योंकि उस समय ट्रैफिक खाली पड़ी है, दूसरी गाड़ियां आती हैं। एक महीने से और वायु मुद्रा भी करते हैं, इन मुद्राओं से शरीर में इतना जीवन में शरीर में परिवर्तन आ रहा है कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वैसे आपके बताए अनुसार 10-12 मुद्राएं मैं करता हूँ सवेरे सवेरे, उसका मुझे पिछले 3-4 महीने में इतना जीवन में परिवर्तन आया जितना मेरे आज तक जीवन में जन्म से लेकर 3 महीने पहले तक नहीं आया, इतना परिवर्तन मेरे इस समय में आ गया। और मेरा ये अनेक सारे लोगों का आपकी मुद्रा करके जीवन धन्य हो रहा है, आपको कोटि कोटि वंदन। ज्यादा खा लिया तो वो नीचे चला जाएगा और हार्ट अटैक तक ठीक हो जाता है। प्रभु जी, मैं भोपाल से आ रहा है, प्रमोद शर्मा नाम है। एक तो लक्ष्य मुद्रा करता हूँ, करीबन 1 साल के आसपास हो गया मुझे, और 1 महीने हो गए मुझे करीबन 3 बजे तक से हुए। और एक करता हूँ कुबेर मुद्रा और एक कुलदेवी वायु मुद्रा और पद्मा आपने बनाई है। और जरूर करो ये पद्म मुद्रा, हर व्यक्ति जरूर करो, मन खुश रहता है, बहुत जरूरी है, मन को खुश रखना बहुत जरूरी। मुझे सादर प्रणाम, मैं बनारस से प्रमोद कुमार यादव, मैं अश्वरूप मुद्रा और कृष्ण मुद्रा करता हूँ। मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया कि मैं इस समय कम से कम मैं मेरे पास 10 लेबर काम करते हैं, 10 लोग काम करते हैं। जब मैं आया था किसगिरी में तो मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज मैं कल मेरी मशीनें लॉन्च हुई है, 10 दिन बाद भी आ रही है। जब कृष्णगिरी आए उनके पास कुछ नहीं था और मुद्रा किया, भक्ति किया, पद्मावती की सेवा किया, 10-10 लेबर काम करते, ये तो कृष्णगिरी वाले बहुत खुशी भाई। क्या मुद्रा करते हैं,
करता हूँ गुरु जी, और अश्वरथ मुद्रा और कई मुद्रा। अश्वरथ मुद्रा जरूर सर करिए। जय गुरुदेव, मैं बीपी वर्मा बॉम्बे से आया हूँ, परमाणु ऊर्जा विभाग से। मैं अनुलोम विलोम। कहाँ से, कहाँ से आए? बॉम्बे से आया हूँ। अच्छा बोलिए। मैं जब से अनुलोम शुरू किया है मैंने, मैं रोज कहता हूँ अनुलोम विलोम करो, आपकी आभा मंडल बदल जाए। उससे हमारे मेरे को अस्थमा में बहुत काफी फायदा हुआ है। पहले मैं गोली लेना पड़ता था, अभी गोलियाँ सब छूट गई है। अनुलोम विलोम करती हूँ और वो बॉल मुद्रा करती हूँ और पद्म मुद्रा करती हूँ। और इसी के साथ आपने एक सिखाया था कि वो ऐसे हाथ को करके और यहाँ जो खाली जगह होता है उसमें ध्यान करने के लिए 5 मिनट, ताकि उससे मतलब सोच क्लियर होती है। तो मैंने वो किया और ये सच में मेरे को बहुत हेल्प किया। इससे मैंने करियर डिसाइड किया और अभी उसकी तैयारी कर रही। सबकॉन्शियस माइंड में आप कोई भी चीज को डालना चाहते हो तो आपका आउटर कॉन्शियस वो करने नहीं देता है। और जब आप ऐसे देखोगे तो वो जो एम्प्टी स्पेस है, ऐसे करके सुबह सुबह 5 बजे रोज आप 3 बार से 12 बार, मुझे 1 साल में 2 करोड़ चाहिए, 1 साल में 2 करोड़ चाहिए, 20 करोड़ चाहिए, जो भी बोलना बोलते हो, तो उसको करने की क्षमता को सबकॉन्शियस माइंड अपने आप प्रोड्यूस करती है। इस मुद्रा में इतनी ताकत है।